चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो। पाली थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया है जहां एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी आर के धारिया ने बताया कि युवती की मां ने थाने आकर शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग युवती अचानक कहीं चली गई है और उसका कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। मां की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर युवती की तलाश में जुट गई थी। इसी दौरान उमरिया से युवती को युवक के साथ पाया गया। दोनों को पाली थाना लाकर पूछताछ की गई तो पता चला कि युवती को उसी के गांव के अजीत सिंह पिता जवाहर सिंह गौड़ के बहला फुसलाकर उमरिया ले गया था और उसके साथ गलत काम भी किया। युवती के बयान पर युवक के विरुद्ध अपहरण एवं दुष्कर्म का मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। दिनांक 9 तारीख को ग्राम खलौस से ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि एक नाबालिग लड़की जो है घर से बिना बताए कहीं चली गई है। फरियादी की रिपोर्ट 3 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। नाबालिग लड़की की तलाश पतरासी करते लड़की कल दस्तयाब हुई है, जिसने बताया कि उसे एक अजीत सिंह गौड़ नाम के लड़का जो है उसे वो मरिया ले गया था और उसके साथ गलत कार्य किया है। उसमें 366 IPC का इजाफा किया है। मामला विवेचना में है, आरोपी को भी पुलिस अधीक्षा में ले लिया गया है।